पूर्व बीजेपी सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सुरेश चंदेल का स्वागत किया है। कौशल ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावों में सुरेश चंदेल बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही कौशल ने अनुराग ठाकुर के कांग्रेस सम्मेलनों में कुर्सियां खाली रहने वाले बयान पर कहा कि अनुराग का कुर्सियां गिनने से भला नहीं होगा और इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा। पूर्व बीजेपी सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सुरेश चंदेल का स्वागत किया है। कौशल ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावों में सुरेश चंदेल बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही कौशल ने अनुराग के कांग्रेस सम्मेलनों में कुर्सियां खाली रहने वाले बयान पर कहा कि अनुराग का कुर्सियां गिनने से भला नहीं होगा और इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा। प्रेम कौशल ने कहा कि 25 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रभारी रजनी पाटिल, आनंद शर्मा, विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा संसदीय क्षेत्र से भारी संख्या में कार्यकर्ता विशाल रैली में शामिल होंगे। मर्तबा यहां से सांसद रह चुके हैं और पूरे प्रदेश की बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बड़े लंबे समय तक रह चुके हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सुरेश चंदेल जी की अहम भूमिका रहने वाली है और अनुराग जी ने कल कहीं बैठक में कांग्रेस के विषय में या कांग्रेस की बैठकों के विषय में एक तंज कसा है कि कांग्रेस की जो बैठकें हैं उसमें कुर्सियां खाली रह रही हैं। मैं अनुराग जी को कहना चाहता हूं कि हमारी कुर्सियां गिनने से उनका भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन है, मूवमेंट है और 25 तारीख को आदरणीय ठाकुर रामलाल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे जिसमें हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठतम नेता वीरभद्र सिंह जी, श्री आनंद शर्मा, गुरकीर सिंह कोटली, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राठौर साहब, विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित बहुत से वरिष्ठ नेता जो हैं वो उसमें शामिल होंगे और हजारों की तादाद में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता गांधी चौक पर जो जनसभा होगी उसमें शामिल होंगे और जो हमारा भोटा चौक से लेके शहर के बीचों बीच ठाकुर रामलाल जी का जो एक पैदल जो शहर के बीचों बीच आएंगे वो उसमें पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है और उस शो में जो 25 तारीख को गांधी चौक पे होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के इनके दोस्त भी बहुत सारे शामिल होने वाले हैं, वो भी उनको नजर आएंगे। कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सीमेंट के दाम आसमान पर हैं और बड़ी आश्चर्यजनक है कि साध्वी प्रज्ञा का समर्थन कर रहे हैं जो कि शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी अपेक्षा हिमाचल के सीएम से कतई नहीं की जा सकती और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के पैरों तले से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का विशेषकर जहां सवाल है जमीन खिसक चुकी है और आज मुख्यमंत्री भी लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए सीमेंट जो है उसके भाव 30 रुपये प्रति बैग जो है वो बढ़ गए। मुख्यमंत्री और सरकार का फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए लेकिन वो पिछले कल में देख रहा था मुख्यमंत्री ने साध्वी प्रज्ञा को डिफेंड किया, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि कर करे जो है उनको मेरा श्राप लगा और कर करे जो देश के लिए शहीद हुए
जिनकी पत्नी का अभी हाल ही में जो कोमा में चली गई थी, उनके निधन के सदमे से उनका एक दो दिन पहले देहांत हुआ, और अपने उनके शरीर के जो अंग हैं वो भी लोगों के काम आए, दान दिए गए। ऐसी शख्सियत, ऐसे परिवार के प्रति ये कहना, जो 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 व्यक्ति ये कह रहा हो, जो महिला ये कह रही हो कि मेरा श्राप उनको लगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो, इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसी अपेक्षा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती, किसी भी नेता से नहीं की जा सकती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य। कार्यक्रम में वक्त तो चला है ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।